संविधान चौक येथे तन्नू सुरदास जांभुळे या मुलीने शिक्षणासाठी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. ही मुलगी उमरेडमधील कुंभारी येथील रहिवासी असून बबिता गिरीसह आयुक्त तथा समितीच्या उपाध्यक्ष यांच्या विरुद्ध तिने धरणे आंदोलन पुकारले आहे. चला तर जाणून घेऊया या आंदोलनामागचे कारण. तन्नू सुरदास जांभुळे हिने नीट परीक्षा पास केली असून तिने अनुसूचित जातीमधून जात प्रमाणपत्रासाठी निवेदन दिले होते. 9 महिने लोटून गेल्यानंतर देखील तिला जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने शिक्षणात अडचणी येत आहेत. तन्नूला वडील नसून तिची आई बकरी चरायला नेत असते. अशा परिस्थितीत देखील तिला शिकण्याची जिद्द आहे, परंतु तिचे प्रकरण पेंडिंग ठेवल्याने अनेक अडचणींना तिला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आता तिने बबिता गिरीसह आयुक्त तथा समितीच्या उपाध्यक्ष यांच्याविरुद्ध धरणे आंदोलन पुकारले आहे. तसेच रक्त नात्यातील किरण रमेश जांभुळे यांच्या रिट याचिका उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांच्या आदेशानुसार जात प्रमाणपत्र वैधता निर्गमित केली असल्याने त्या आधारावर जात प्रमाणपत्र वैधता निर्गमित करण्यात यावे अशी मागणी देखील तिने यावेळी केली आहे. मेरा पूरा नाम तन्नू सुरदास जांभुळे, मैं एक छोटे से गाँव से हूँ. मेरा गाँव का नाम कुंभारी, तहसील उमरेड, जिला नागपुर और पोस्ट गोदनी है. मैं यहाँ अनुसूचित जमाती में कास्ट वैलिडिटी का जो प्रकरण अप्लाई किया था उन्होंने अभी तक 9 महीने होकर भी नहीं निकाला था. और मैंने 12th पास कर नीट की एग्ज़ाम दी थी, वो भी पास हो चुकी हूँ. मेरे बाबा नहीं है और माँ बकरी चराने जाती है. तो मैंने कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया था 2/12/2021 को, लेकिन 9 महीने होकर भी उन्होंने मेरा प्रकरण है जो उन्होंने पेंडिंग कर रखा था. तो मैंने मेरी सुनावनी भी हो गई थी और उसका रिजल्ट आया नहीं था. तो मैंने उनसे मेरे कोर्ट के आदेशानुसार मेरे कजन सिस्टर को कास्ट वैलिडिटी मिली थी, लेकिन उनके आधार पर जो मुझे मिलनी चाहिए थी उन्होंने दी नहीं. तो मैंने धरने आंदोलन शुरू किया था. तो अनुसूचित जमाती तपासनी समिति गिरिपीठ नागपुर यहाँ की श्रीमती बबिता गिरी सहायुक्त व गणेश युनाते उन्होंने मैंने धरने आंदोलन करने की सूचना दी थी, तो उन्होंने मेरा वहीं पर कास्ट वैलिडिटी का जो प्रकरण है वो इनवैलिड कर दिया था, मतलब अवैध ठहरा दिया था. तो मुझ पर जो अन्याय हुआ है वो तो मैं भूल नहीं सकती, लेकिन मेरे जैसे 265 स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक कास्ट वैलिडिटी के प्रकरण पेंडिंग है. तो मैं यही चाहती हूँ कि श्रीमती बबिता गिरी मैडम और गणेश युनाते इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. शिस्त भंग तरतूद के अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. कोर्ट का आदेश है कि 6 महीने में निकाला जाए, लेकिन उन्होंने 9 महीने लगाए और 265 जो प्रकरण है कास्ट वैलिडिटी के उन्होंने अभी तक पेंडिंग कर रखी है. मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन बिना कास्ट वैलिडिटी के एडमिशन नहीं होता है. VKB न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदेही चव्हाण यांची रिपोर्ट.